सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज है 30 और आज है छठ पूजा। तो अभी सुबह के बज रहे 5:30 और हम 5 टाइम में अंदर घुसी हुई हूँ और पापा का इनर पहनी हुई हूँ क्योंकि मेरा जैकेट है बट ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसी की वजह से मैं इसको पहनी हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चलो आज का ब्लॉग शुरू करते। अभी से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये ब्लॉग। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा फॉग है अभी भी और ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग के घर के पास एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर है शंकर भगवान का, बड़ा सा नहीं बट है मंदिर। और सनराइज थोड़ा थोड़ा सा रेड रेड दिख रहा होगा आपको। मैं भी छत पे हूँ और छत पे मैं आई हूँ सनराइज देखने के लिए। इसी मम्मी चूल्हा बना रही है प्रसाद बनाने के लिए। एक चूल्हा है पहले से पर फिर भी एक चूल्हा और बना रही है प्रसाद बनाने के लिए, उसमें खाना बन बन चाय बन रही है, यहाँ पे सब्जी बन रही है यहाँ पे। आगे गाइस, तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, लाइक नाश्ता बना रहे सबके लिए सुबह का। और चाय भी बन रहा है यहाँ पे, सब्जी बन रहा है और पूजा का तैयारी लाइक हो रहा है। मम्मी भाभी सब करेगी, मैं खाना बना रही हूँ, चाय पी लेते हैं। सारा प्रसाद का सामान लाइक फल और सब धो धा के सब एक साथ रख रही है डाला में, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी 10:30 बज रहा है और मैं नहा ली हूँ और पूजा का काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। लाइक पूड़ी बनाना एंड ठेकुआ कुआ सब प्रसाद बनाना स्टार्ट हो चुका है। दीदी और भाभी मिलके बना रही है, लोग बना लेगा प्रसाद का सामान, देन मैं जाऊँगी। ऐसे भी नहीं बना सकती मैं। बुआ का बाल का हाल, इसलिए और भी प्रिपरेशन भी तैयारी भी करना है, तो इसी की वजह से सब जल्दी जल्दी रेडी हो रहा है। और ये है मेरा ड्रेस, रेड रेड सा मैं ली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। साक्षी सो रही है मेरी एकदम नींद लेके और उधर खुश भाभी तैयार हो रही है मिली। पहले ही रेडी हो चुकी हूँ, सबसे पहले मेरा बाबू एंड मी, मैं रेडी हो चुकी हूँ। आमा हम लोग घर से निकल गए हैं और आगे भैया जा रहे हैं डाला लेके, नबीन भैया, और पापा पीछे से आ रहे हैं क्योंकि हम लोग का लेट हो गया है। भाभी मम्मी साथ में जा रहे हैं, बड़ी मम्मी आगे निकल गई है। ये हम लोग का छठ घाट जो कि घर से पास ही में है, कोई गाड़ी करने का ज़रूरत नहीं होता, हम लोग पैदल ही चले जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। ये वाइब्स देख के ना इतना खुशी मिलेगा ना आपको कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर हर साल कोई अठजाम करवाता है, कोई कीर्तन करवाता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो करवाते हैं। और ये जो ब्लू कलर की दिख रही है हमारी छठ मैया है, एक बड़ी मम्मी की जो बहुत पुरानी बनाई गई है, मेरी दादी थी तब का, और एक पापा ने बनवाया है दोनों छठ माँ को। और ये है घाट जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। छठ पूजा इतना जल्दी ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला गाइस,
मेरा बस चलता तो ख़त्म ही ना हो, बट ख़त्म हो गया है छठ पूजा और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि गांव में नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है। मेरी दीदी की लड़की है और मैं रही और पापा और ये भैया लोग हैं, सारे बहुत ही इंजॉय किए, बहुत ही मस्ती किए, बहुत ही अच्छा लगा एक साथ रह के। अब बहुत ही याद आ रही है सबकी कि मुझे गाँव से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बट हम आ चुके हैं और मम्मी मेरी पूजा कर रही है और भाभी फर्स्ट टाइम छठ उठाई है, तो इसी के लिए हम लोग गाँव गए थे, छठ पूजा उठाई थी भाभी। और मेरी मम्मी का मन था कि भाभी मेरे गाँव से उठाए तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे, बट कैसे भी करके हम लोग गए गाँव क्योंकि 4 महीना पहले हम लोग टिकट करवाए थे, वो भी एसी का और वो भी कंफर्म नहीं हुआ था, बट फिर भी लास्ट टाइम में हो गया और हम लोग गए, बहुत खुशी मिला जाके। अभी अरग का टाइम हो गया है तो मम्मी और भाभी अरग देने जा रही है, तो अभी मम्मी दी नहीं है भाभी को, बट भाभी उठा लिए, तो अभी एक ही सूप से करेंगे और बाद में जब अलग अलग सूप हो जाएगा दोनों जन का तो पहले मम्मी कर लेगी तो फिर भाभी करेगी। यहाँ पे सब घूंघट किया हुआ है, ये नियम है गांव का और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप किसी का रिस्पेक्ट करते हो किसी के नियम का तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको घूंघट करना है, मेरी भाभी को भी नहीं है, बट उनका मन है, वो अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहती हैं इसीलिए घूंघट करके रखी। पापा सर पे डाला लेके जा रहे हैं, पूजा हो चुका है, शाम का अर्घ पहला अर्घ हो गया है और हम लोग सब कोई घर जा रहे हैं, धीरे धीरे सब कोई घर हो जा रहा है क्योंकि पूजा सबका हो चुका है और हम लोग भी जा रहे हैं। मम्मी यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। कोसी भर आएगा तो इसलिए भाभी चौका पूर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं आटा से बनाया जाता है, कोई भी पूजा पाठ होता है उस घर आ चुके हैं, पूजा वजह सब कुछ अच्छी तरीके से हो गया है। अब मैं ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि खाना बनाना है अभी और पूजा वजह हो चुका है, कोसी भी भरा चुका है, तो फटाफट चेंज कर लेते हैं और खाना बनाते हैं। ड्रेस चेंज कर ली हूँ और बहुत ही कंफर्टेबल सा कपड़ा पहन ली हूँ, अभी चाय पी रही हूँ ग्लास में और इसके